चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन नए चैप्टर का दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिलेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले कर्व्स पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे ओपन कर्व क्या होते हैं और क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे पॉलीगनस क्या होते हैं देन हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन कौन कौन से होते हैं लाइक कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है पॉलीगन का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपकी आगे तक काम आएगी तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा उसके बाद हम कोऑर्डिलेटर पढ़ेंगे काइंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे काइंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रिपाजियम काइट एंड पैलोग्राम पढ़ेंगे और लास्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल पैलोलोग्राम्स कौन कौन से हैं सम स्पेशल पैलोलोग्राम्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो पॉलीगन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्व किसे कहते हैं कर्व फर्स्ट हेडिंग इस कर्व कर्व क्या होता है तो कर्व होता है पेंसिल को बिना उठाए कोई भी एक फिगर बनाना इस कॉल्ड दी कर्व राइट ये इस शेप में भी हो सकता है इस शेप में भी हो सकता है इस शेप में भी हो सकता है राइट right? तो पेंसिल को बिना उठाए जो शेप बनाई जाती है प्लेन सरफेस पे दैट इज कॉल्ड कर्व तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अ फिगर ड्रॉन ऑन अ ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस प्लेन सरफेस विदाउट lifting the pencil is called a curve अब curve हमारे दो types के होते हैं open curve and closed curve तो सबसे पहले हम open curve पढ़ लेते हैं अपना curve हमारे two types के होते हैं open curve open curve and क्लोज्ड कर्व देखिए नाम से ही पता चल रहा है ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है ओपन मीन्स ओपन है कोई फिगर और क्लोज मीन्स क्लोज है कोई फिगर दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व राइट ओपन कर्व की शेप्स बना लेते हैं लाइक like ये शेप ये ओपन कर्व कहलाएगी लाइक ये शेप ये ओपन कर्व कहलाएगी तो ओपन कर्व क्या हो गए अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड नहीं हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व अब इसी तरीके से क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं तो देखिए जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड होना दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व ये देखिए ये क्या हो गया क्लोज कर्व जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड हुआ तो तो क्लोज कर्व कौन से होते हैं अ कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड द पॉलीगन क्या, तो पॉलिगन. क्या होते हैं तो देखिए मैं पॉइंट्स के थ्रू बता रही हूँ आपको पॉलिगन क्या होते हैं पहला पॉइंट पॉलीगन क्लोज कर्व होते हैं अभी अभी हमने दो टाइप के कर्व पढ़े ओपन एंड क्लोज तो उसमें से जो क्लोज वाले होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिगन क्लोज करव होने चाहिए पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट लाइन सेगमेंट्स से बना होना चाहिए तो मेड बाय लाइन सेगमेंट्स और थर्ड पॉइंट क्या होगा कि वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें लाइन सेगमेंट्स ट लाइन सेगमेंट डज नॉट इंटरसेक्ट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ईच अदर तो पॉलीगन्स क्या क्या होते हैं पॉलीगन्स ऐसी क्लोज करव जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो और लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट ना हो दैट इज कॉल्ड पॉलीगन्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलीगन्स के लिए थ्री और मो साइड्स होनी चाहिए मो साइड्स, राइट ऐसी फिगर जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड्स हो और क्लोज हो लाइन सेगमेंट्स से बनी हो और लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट ना करती हो तो देखिए ये क्या है तीन साइड से बनी हुई है क्लोज है लाइन सेगमेंट्स से बनी हुई है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये क्या हो गया पॉलीगन हो गया जिसकी कितनी साइड्स हैं थ्री साइड्स हैं राइट थ्री साइड्स तो ये क्या कहलाता है ट्राइंगल कहलाता है थ्री साइड्स वाला तो ट्रायंगल क्या है एक पॉलीगन है जैसे थ्री साइड्स हैं थ्री साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल कहलाता है उसी तरीके से फोर साइड्स पॉलीगन क्या कहलाएगा देखते हैं देखिए ये फोर साइड्स हो गई हैं तो फोर साइड्स और फोर साइड्स वाला क्या कहलाता है कॉर्डी तो ये क्या है कॉर्डरी है अब जैसे फोर साइड्स वाला पॉलीगन है ऐसी फाइव साइड्स वाला पॉलीगन क्या कहलाता है देखिए फोर साइड्स की तरह फाइव साइड्स बना लेंगे अब देखिए अब हमारी ये फाइव साइड्स हैं और फाइव साइड्स वाला हमारा क्या कहलाता है पेंटगन राइट right? जैसे फाइव साइड्स हैं वैसी ही सिक्स साइड्स होंगी देखिए इस फिगर की कितनी साइड्स हैं सिक्स साइड्स हैं और सिक्स साइड्स वाला क्या कहलाता है हमारा हैक्सगन अब जैसे ये सिक्स साइड्स का है वैसे सेवन साइड्स का होगा सेवन साइड्स की फिगर बना लेते हैं ये देखिए ये इसमें कितनी साइड्स है? हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन साइड्स हैं तो सेवन साइड्स वाला क्या कहलाता है हैपटगन तो सेवन साइड्स वाला हमारा क्या कहलाता है हापटगन अब नेक्स्ट एट साइड्स वाला बनाएंगे हम अब देखिए इस फिगर में कितनी साइड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट साइड्स हैं तो ऐसी फिगर जिसमें एट साइड्स होती हैं वो क्या कहलाता है वो कहलाता है हमारा ऑक्टगन हमने एट साइड्स तक पढ़ा ऐसी इससे नेक्स्ट होता है नोनागन जिसमें नाइन साइड्स होती हैं डेका गन जिसमें टेन साइड्स होती हैं राइट फिर से बता रही हूँ ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल कहलाता है फोर साइड्स होती हैं वो कोर्डिलेटरल कहलाता है फाइव साइड्स होती हैं पेंटागन कहलाता है सिक्स साइड्स होती हैं वो हेक्सागन कहलाता है सेवन साइड्स वाली फिगर हेप्टागन और एट साइड्स वाली हमारी ऑक्टागन कहलाती है ये सारे क्या हैं हमारे पॉलीगन ही हैं ये सब पॉलीगन कहलाते हैं तो पॉलीगंस क्या होते हैं तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जब फिगर बनती है दैट इज कॉल्ड आर पॉलीगन अब पॉलीगन टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन तो दो टाइप्स के पॉलीगन होते हैं पहला होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन पॉलीगन अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिस फिगर में एटलीस्ट एक, एक एंगल मोर देन 180 डिग्री का होता है तो यहां लिख देती हूं अ पॉलीगन हैविंग एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 degree, डिग्री degree डिग्री का होता है तो इसकी मैं फिगर बना के दिखाती हूँ इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ ध्यान दीजिएगा देखिए ये एक पॉलिगिन है जिसका ये एंगल एक्यूट एंगल है ये एंगल एक्यूट एंगल है ये एंगल एक्यूट एंगल लेकिन ये वाला एंगल कौन सा देखिए ये वाला एंगल मोर देन 180 एट्टी डिग्री है तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ कॉन्केव पॉलीगन जिसका एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 एट्टी डिग्री हो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगन अब ये था कॉन्केव पॉलीगन नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे कॉन्केव पॉलीगन का ऑपोजिट कॉन्केव पॉलीगन में एक एंगल मोर देन 180 एट्टी डिग्री का होता था अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री मोर देन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा लेस तो सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री का होना कॉल्ड दी कॉन्वेक्स पॉलीगन अ पॉलीगन हैविंग ईच एंगल लेस देन लेस देन वन एट्टी डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन चलिए इसकी फिगर बना के देख लेते हैं फिगर से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए इस फिगर में ये भी वन एट्टी डिग्री से कम है 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 ये पॉलीगन क्या हो? कौन सा पॉलीगन हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया राइट तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं तो देखिए रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं रेगुलर पॉलीगन polygon, वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती है ऑल साइज आर इक्वल ऑल साइज आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल ये पढ़ते ही आपके ध्यान में आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी शेप्स हैं जिनकी सारी साइज इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं स्क्वेर ऐसी शेप है जिसकी सारी साइज इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं यही कोई लेट्रल ट्राइंगल ऐसी शेप है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइज़ इक्वल होती हैं एग्जाम्पल तो मैं लिख देती हूँ क्विलेट्रल ट्राएंगल इक्विलेट्रल ट्राइंगल हुआ एग्जाम्पल स्क् राइट एक्सेट्रा अब इसी तरीके से अब इरेगुलर पॉलिगन कौन से होते हैं जो रेगुलर नहीं होते वो इरेगुलर पॉलीगन होते हैं राइट right? हम यहां लिख देंगे इरेगुलर पॉलिगन होते हैं पॉलिगन्स विच आर गुलर आ कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगनस राइट इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल की सारी साइज इक्वल नहीं होती हैं सारी साइज इक्वल नहीं होती हैं तो वह रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो वो क्या हुआ इरेगुलर पॉलीगन तो रेक्टेंगल हो गया ट्रिपाजियम हो गया पैलेलोग्राम हो गया कोई सी भी पॉलीगन ले सकते हैं राइट right. तो ये क्या हो गए इरेगुलर पॉलीगन हो गए राइट right. ये था हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर पॉलीगन क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन क्या होता है देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर राइट right. तो हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है देखिए एक पॉलीगन बना लेती हूँ ये मान लीजिए एक पॉलीगन हो गया अब इंटीरियर पॉलीगन कौन सा हो गया अंदर वाला पार्ट इंटीरियर मीन्स अंदर राइट और एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन क्या हो गया आउटर पार्ट लाइक ये वाला ये वाला पार्ट हमारा हो गया एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन बाहर की बात कर रहा है तो एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन अंदर की बात कर रहा है पॉलीगन के दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन राइट अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन बताया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगर हमें एन नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं रेगुलर पॉलीगन की और हमें उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है और या ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे अगर हमें एन नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं इफ़ अ रेगुलर पॉलिगन रेगुलर पॉलिगन हैज़ एन साइट्स साइड्स मीन्स कि हमें साइड्स काउंटेबल नहीं है राइट एन साइड्स दे रखी हैं, तो हम उस केस में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है अब एन नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारी और हमें उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं 360 को हम एन नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो उतने डिग्री का हमारा क्या आ जाता है ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है मान लीजिए मुझे कोई फिगर दे रखी है देखिए ये रेगुलर पॉलीगन है और हमारी कितनी साइड्स है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव साइड्स हैं एन साइड्स मतलब यहाँ इस फिगर में मुझे पता चल गया कि फाइव साइड्स हैं तो हमारा नंबर क्या हो गया एन फाइव हो गया तो यहाँ पे लिख सकती हूँ एन आ गया हमारा फाइव अब हमें इसका सारों का एक्सटीरियर एंगल निकालना है एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे आया देखिए, ये क्या आया एक्सटीरियर एंगल आया जहाँ पे भी ये आया ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आया ये एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं। इस फिगर से जो हमारे बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए हमारे एक्सटीरियर एंगल देखिए एक तो ये वाला हुआ ये वाला हुआ ये वाला हुआ ये वाला हुआ ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे निकलेंगे तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल हम ऐसे निकालेंगे 360 को हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइव पता है फाइव से डिवाइड कर देंगे उतने डिग्री का हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो ये कितना आ गया फाइव वन जो फाइव फाइव सेवन जो थर्टी फाइव फाइव टू टेन तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया हमारा 72 डिग्री का ये सारे एंगल्स 72 72 डिग्री के हैं राइट right? तो ये था तरीका हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का इसी तरीके से जैसे एक्सटीरियर एंगल निकालने का है तरीका एन नंबर ऑफ साइड्स का उसी तरीके से अब हमें कितनी भी साइड्स एन नंबर ऑफ साइड्स मतलब अब हमें कितनी भी साइड्स दे दीजिए सिक्स साइड्स दे दीजिए एट साइड्स दे दीजिए तो हम ईजिली निकाल सकते हैं अब इसी तरीके से हम ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं किसी भी शेप का और उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए ईच इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री में से हम ईच एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे कि कैसे बना ये फॉर्मूला देखिए अब फिगर के थ्रू अगेन फिगर के थ्रू समझते हैं ये देखिए ये ट्राइंगल है और हमें इसमें ये पता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है मान लीजिए तो ये इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा ये भी 72 डिग्री का है और ये भी टू डिग्री का है तो इसके इंटीरियर एंगल्स कैसे निकलेंगे तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती हो वन एट्टी डिग्री का ये पूरा एंगल बनेगा अब उसमें से ये मैं वन एट्टी पूरे डिग्री में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूँ तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा वही फॉर्मूला है मैंने आपको एक्सरसाइज में डायरेक्टली बताया है वन एट्टी माइनस करके एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा वन एट्टी में से हम इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे ऐसे करके भी बताया तो आप ये मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं और वो मेथड भी कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं बोथ ऑफ देम आर करेक्ट राइट तो ये था हमारा तरीका ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल निकालने का अब अगर हमें कॉन्वेक्स पॉलिगन दे रखे हैं जिनकी एन नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हम सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे या सारे इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं अब अगर हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन दे रखा है इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता था जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते थे अभी अभी हमने पढ़ा था In a convex polygon, polygon of n sides, जिसकी sides नहीं पता है वो 3 है 5 है 10 है 100 है ऐसे कॉन्वेक्स polygon का अगर हमें सम निकाल मान लीजिए थ्री का हम निकाल सकते हैं कि सम इंटीरियर का क्या होगा और एक्सटीरियर का होगा फोर का निकाल सकते हैं टेन तक की शेप का निकाल सकते हैं लेकिन अगर हमें हंड्रेड नंबर ऑफ़ साइड्स दे दी हैं हंड्रेड साइड्स दे दी हैं कि किस कोई ही एक फ़िगर है जिसकी हंड्रेड साइड्स हैं तो उसका सम ऑफ़ एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे राइट right? तो सम ऑफ सम ऑफ़ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे तो फोर राइट एंगल्स के इक्वल होता है कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा फोर राइट एंगल्स के इक्वल होगा और उसी तरीके से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा ऑल इंटीरियर एंगल्स होगा वो निकालेंगे हम 2n एन माइनस फोर राइट एंगल्स राइट एंगल्स जहाँ लिखा है दैट मीन्स 90 डिग्री राइट एंगल्स देखिए फिर से बता रही हूँ फोर राइट एंगल्स का मतलब है फोर इंटू नाइन्टी डिग्री तो ये कितना आ गया थ्री सिक्सटी डिग्री राइट और इसी तरीके से टू एन माइनस फोर राइट एंगल्स मीन्स इंटू नाइंटी डिग्री इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला पता चल गया इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल का जब भी आपको सम ऑफ़ एक्सटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए कहता है तो सिंपली आप ये दो फॉर्मूला यूज करके एक्सटीरियर एंगल के लिए फ़ोर इंटू राइट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल के लिए टू एंड माइनस फोर इंटू राइट एंगल दैट इज नाइन्टी डिग्री करके आप ईजली निकाल सकते हैं सम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का राइट right? अब इसी तरीके से अगर आपको किसी भी फिगर के नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने का डायगनल हमें पता है क्या होती है जो ऑपोजिट वर्टिक्स को जोड़ती है दैट इज कॉल्ड डायगनल। अगर हमें एनसाइड्स हैं नंबर ऑफ डायग्नल हैविंग एनसाइड्स तो उसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस थ्री अपॉन टू राइट किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन का डायगनल निकालने का ये फॉर्मूला होता है मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मान लीजिए डेकागन डेकागन में टेन साइड्स होती हैं तो एन कितना हो गया एन मीन्स साइड्स तो टेन डेकागन का निकाल लें तो टेन साइड्स हो गई तो नंबर ऑफ डायग्नल्स कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ डायग्नल्स नंबर ऑफ डायग्नल्स निकलेंगे हमारे एन की जगह टेन लिख दीजिए टेन माइनस थ्री अपॉन टू तो ये कितना आ जाएगा टेन इन टू टेन माइनस थ्री सेवन हो गया अपॉन टू अब काट देंगे टू वन जो टू टू फाइव तो डेकागन में हमारे कितने डाइग्नल्स आएंगे थर्टी फाइव डायग्नल्स आएंगे राइट तो ये था तरीका डायगनल्स निकालने का अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहें या एंगल सम थ्योरम कहें बात एक ही है राइट अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ ट्राइंगल शेप पे लगती है राइट या अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल बना देते हैं कैसे देखिए मान लीजिए ये क्वारिलेट्रल है हमारा अगर हम इसके डायगनल जॉइन कर देंगे कोई सी भी एक तो हमारे कितने ट्राइंगल बन गए दो ट्राइंगल बन गए राइट तो हमेशा इसलिए कह रही हूँ कि ट्राइंगल पे बनती है कोई सी भी शेप हो उसको ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और फिर वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तीनों एंगल का सम एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री तीनों एंगल का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है सप्लीमेंट्री कहें या वन एट्टी डिग्री कहें बात एक ही है अबव प्रॉपर्टी सेज अब प्रॉपर्टी सेज दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री मैंने वन टू थ्री रिप्रजेंट करके बताया आपको इसका मतलब एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री तीनों एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है अब मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया अगर कोई भी दो एंगल दे रखे तीसरा निकालना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके अब हम अपना थर्ड एंगल निकाल सकते हैं राइट तो ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक इज कोआर्डिलेटरल कोऑर्डिलेट्रल क्या होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स एज अ कोडिलेटरल फिगर के थ्रू समझते हैं ये क्या है कोआर्डिलेट्रल है राइट right? अब चार साइड से ही बहुत सारी फिगर्स बनती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटरल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ कोआर्डिलेटरल काइंड ऑफ कोआर्डिलेटर में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिपाजियम क्या होता है हमने अपनी पास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है ट्रिपाजियम क्या होता है देखिए फिगर्स से समझते हैं ट्रिपाजियम क्या होता है देखिए ऐसा कोआर्डिलेटरल जिसकी पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं राइट right? तो हम ट्रिपाजियम के बारे में क्या लिख सकते हैं ट्रिपाजियम इज अ कोआर्डिलेटरल हैविंग कोआर्डिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ पैलल साइट्स ऑफ पैलल साइट होती है एक पेयर पैलल साइट्स की होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिपेजियम राइट अब इसके अलावा इसकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं है ट्रिपेजियम की अब नेक्स्ट आता है हमारा काइट सेकेंड इज काइट काइट हमने ऑलरेडी पता है किस शेप की होती है फिगर बना लेते हैं और क्लियरली समझने के लिए ये क्या है ये काइट है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार लगातार दो साइड इक्वल होती हैं और लगातार नेक्स्ट टू साइड्स इक्वल होती हैं ये इसके इक्वल होती है राइट right? तो काइट क्या होती है इस टाइप का कोऑर्डिलेटर जिसमें चार साइड्स होती हैं पहली बात इज अ कोडिलेटरल हैविंग फोर साइड्स चार साइड्स होती है ऐसा कोआर्डिलेटरल जिसकी चार साइड्स होती है नेक्स्ट इज इट हैस टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जैसा कि मैंने अभी अभी बताया दो पेयर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ जिसकी लेंथ इक्वल होती है फिर से बता रही हूँ काइट कौन सी शेप की होती है चार साइड्स होती हैं जिसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल होती हैं राइट right? और क्या होता है इसकी डायगनल्स परपेंडिकुलर होती हैं और बाइसेक करती हैं एक दूसरे को तो देखिए ये क्या हुई ये डायगनल हुई इसी तरीके से ये एक डायगनल हुई राइट तो ये क्या कर रही है एक दूसरे को तो बाइसेक कर रही हैं और 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है राइट ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है डायगनल्स डायगनल्स आ परपेंडिकुलर एंड बाइसेक टीचर और आपस में एक दूसरे को बाइसेक करती हैं डायगनल्स राइट तो ये थी काइट की प्रॉपर्टीज अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैलेलोग्राम उससे रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज है प्लीज ध्यान से समझिएगा इसलिए नाउ थर्ड इज पैलेलोग्राम अब पैलेलोग्राम क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पहले फिगर बना लेते हैं और फिगर के थ्रू समझते हैं देखिए नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल, राइट right? ऐसा कोआर्डिलेटरल जिसकी ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इसकी भी चार साइड्स होती हैं, ये हमें पता है ये क्या है ये भी एक कोर्डिलेटरल है चार साइड से बना है और इसमें चार ही एंगल्स बन रहे हैं राइट right? तो अ कोअर्डिलेटरल हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स एंड फोर एंगल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पैलेलोग्राम इसकी ऑपोजिट साइड्स पैलल होती हैं और इक्वल होती हैं राइट right? तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलेलोग्राम ये पैलेलोग्राम लिख रही हूँ पैलेल लाइन्स और जीएम पैलेलोग्राम आर पैल एंड इक्वल पैल होती हैं और इक्वल होती हैं, राइट right? और इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल और क्या प्रॉपर्टी होती है पैलोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो इसके डाइगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक करते हैं और इस तरीके से बाइसेक करते हैं कि ये ओ पॉइंट पर बाइसेक किए और ये मान लीजिए ए है ये बी है ये सी है और ये डी है, 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 है तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ डी बी के इक्वल होगा राइट डायगनल बाइसेकट ईच अदर ईच अदर ऑंड क्योंकि मैंने नेमिंग कर दी है इसलिए बता रही हूं एंड ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी के इक्वल इस तरीके से बाइसेक करते हैं कि ये आपस में इक्वल होते हैं राइट तो ये थी पैलेलोग्राम की प्रॉपर्टीज कुछ स्पेशल टाइप के पैलेलोग्राम होते हैं तो चलिए वो पढ़ लेते हैं स्पेशल टाइप के पैलेलोग्राम में सारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैलेलोग्राम की होती हैं तो सम स्पेशल पैलेलोग्राम कौन कौन से होते हैं तो पहला है हमारा रोम्बस फिगर के थ्रू समझते हैं ये रोम्बस पैलेलोग्राम की तरह ही दिखता है जैसे पैललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैलल और इक्वल होती हैं लेकिन रॉम्बर्स में ऑपोजिट साइड्स पैलल तो होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल होती हैं ये इसके पैलल है और ये इसके पैरल है और ये सारी साइड्स इक्वल है राइट तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई राम्बर्स की ऑपोजिट साइड्स पैलल होती हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं साइड्स आर पैरेलल पैरेलल होती हैं और क्या रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल लेंथ की होती हैं सारी साइड्स और क्या प्रॉपर्टी होती है लास्ट प्रॉपर्टी होती है जो इसके डायगनल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं राइट right? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं डायगनल्स ऑफ रॉम्बस ऑफ रॉम्बर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर परपेंडिकुलर टू ईच आदर तो ये था पहला टाइप ऑफ स्पेशल पैरलोग्राम अब नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल तो हम सबको पता है किस शेप का होता है यह आ गया रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट ही साइड इक्वल होती हैं ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं opposite sides of rectangle are parallel and equal and equal होती हैं और क्या property होती है देखिए ये 90 degree का angle बनाते हैं राइट एडजेसेंट साइड्स मिलके एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड्स होती हैं तो ये वाली और ये वाली साइड मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और क्या प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं राइट right? तो डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल रेक्टेंगल के डायग्नल इक्वल होते हैं राइट right? ये था सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल पैलोग्राम अब लास्ट है हमारा स्क्वायर स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं वही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैलेलोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस की थी राइट और सारी साइड्स इक्वल होती हैं ऑपोजिट साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और सारी साइड्स इक्वल होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है और क्या प्रॉपर्टी होती है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं राइट right? तो हम लिख सकते हैं ईच एंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज ऑफ 90 डिग्री और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी डाइगनल्स इक्वल होते हैं डायगन आर इक्वल राइट तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे स्पेशल पैलोग्राम की तो चलिए कर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज